फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो यहां पर कार्य किए जा रहे हैं उनका अपडेट लेकर आए हैं। मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को हजान भाई ने बनाकर भेजा है। हजान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। काफ़ी समय बाद हम आप लोगों को मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से अमृत भारत योजना के अंतर्गत या किसी अन्य परियोजना के अंतर्गत यहां का अपडेट दे पा रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिटेल से आप लोगों को बताएंगे क्या क्या यहां पर बनाया जाएगा और क्या क्या बन रहा है। तो यहां पर स्क्रीन पर देखिएगा, हम आप लोगों को प्रपोज्ड व्यू दिखा रहे हैं सर्कुलेटिंग एरिया का। मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर का जो नज़ारा होगा वो किस तरह का होगा, तो ये कुछ तस्वीर थी जो मैं आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा। दो नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा एक नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा, तो कुछ आकर्षक नज़र आएगा मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। फिलहाल यहाँ पर डबल लाइन का ट्रैक है, भटनी औढ़ियार रूट पर पड़ता है। आज़मगढ़ के लिए भी डबल लाइन का जो ट्रैक है वो काफ़ी हद तक तैयार कर लिया गया है। मौका मिलेगा तो आप लोगों को डबलिंग का अपडेट देने का पूरी कोशिश रहेगी। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो दो नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे और क्या क्या यहाँ पर स्टेशन पर रहेगा ये भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। फिलहाल स्टेशन पर जो अमृत भारत योजना के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं वो लगभग 50% के करीब में पूरा कर लिया गया है। और जो प्लेटफॉर्म बनाने का काम है, नए प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर जो दो बनाए जा रहे हैं उनकी शुरुआत भी हो रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले चार प्लेटफॉर्म्स थे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 एक ही लाइन में थे, उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया जिससे कि यहाँ पर केवल 3 ही प्लेटफॉर्म बचे। वाराणसी मंडल के अंतर्गत मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है। इस समय लगभग 72 ऐसी रेलगाड़ियाँ हैं जो मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुजर रही हैं। कुछ प्रतिदिन वाली हैं, कुछ साप्ताहिक हैं, कुछ द्विसाप्ताहिक हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, तो कुछ यहाँ पर इस तरह से प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। आप लोगों को ये भी हम बताएंगे कि यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग एरिया है और बिल्डिंग है, तो धौलपुर से कुछ विशेष प्रकार के जो पत्थर है वो मंगाए गए हैं जिससे कि स्टेशन को सजाने का काम किया जा रहा है। स्टेशन की ओर जाने वाली जो सड़क है उसको थीम रोड के तर्ज पर निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा जो बजट पास किया गया है मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए वो लगभग 26 करोड़ के करीब में पास हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए फाउंडेशन बनाए गए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, बेस तैयार किया जा रहा है। तो एटलीस्ट आने वाले समय में कुछ नई ट्रेनों का संचालन भी शुरू होगा। अभी तो नहीं, अगले साल हो सकता है, क्योंकि देश भर में लगभग 1300 से ज़्यादा ऐसे स्टेशन हैं जिन पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है और ये रफ्तार अभी बढ़ने वाली भी है। आप ये मान के चल सकते हैं कि अगले साल मार्च 2025 तक ये काम पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा जो रोडवेज की तरफ जाने वाला स्टेशन मार्ग है उसको थीम रोड के तर्ज पर लगभग 11 मीटर चौड़ा 4 लेन मार्ग के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाने के साथ आकर्षक गोलंबर और सड़क के तरफ 1.5-1.5 मीटर का पाथवे बनाने की भी योजना है। वहीं डिवाइडर के बीचों बीच में आकर्षक स्ट्रीट लाइट के साथ सड़क के दोनों तरफ से टर्निंग पॉइंट भी बनाया जा रहा है, जहाँ रोडवेज की ओर से आने वाले वाहनों के लिए रामलीला मैदान के पास से होते हुए प्रेक्षागृह और रेलवे डाकघर को जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है। इससे स्टेशन न जाने वाले वाहन चालक सीधे इस मार्ग से मुंशीपुरा ओवरब्रिज रास्ते से होते हुए आजमगढ़ मोड़ तक चले जाएंगे। जबकि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 4 और 5 यानी दो नए प्लेटफॉर्म की योजना भी RVNL के द्वारा दोहरीकरण का कार्य पूरा न होने के बाद किया जा रहा है। दोनों नए प्लेटफॉर्म मालगोदाम वाली ज़मीन के पास बन रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरी स्थिति हम आपको आने वाले समय में और भी स्पष्ट समझा देंगे जब यहाँ पर काफ़ी कुछ काम हो जाएगा।
और इसी क्रम में जो स्टेशन के मुख्य भवन के जो गुंबद है और पिलर है उनको भी आकर्षक बनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, धौलपुर से जो सैंड स्टोन है और वाइट रंग के जो मार्बल है उनको भी मंगाया जा रहा है। स्टेशन के एक प्लेटफार्म को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के तर्ज पर ग्रेनाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में लगभग 3.15 करोड़ की लागत से स्टेशन भवन को आकर्षक बनाया जाएगा। 26 लाख की लागत से पोर्च का निर्माण कार्य कराया जाएगा। 6.25 करोड़ की लागत से 12 मीटर चौड़े पैदल ऊपरी गामी पुल का निर्माण होगा। 5 करोड़ की लागत से प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही सरफेस में सुधार, प्लेटफॉर्म पर शेड एवं फॉल्स सीलिंग का भी कार्य कराया जाएगा। जो यहाँ का वेटिंग हॉल है उसको सुधार कर आकर्षक और सुविधाजनक भी बनाया जाएगा। 10 करोड़ की लागत से लगभग सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे और 9 करोड़ की लागत से ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल क्लॉक, ऑटो अनाउंसमेंट और जो आपकी अनारक्षित और आरक्षित टिकट काउंटर में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनमें सुधार कराया जाएगा। 1.25 करोड़ की लागत से स्टेशन पर लिफ्ट, फसाद लाइटिंग, साइनेज, एक पंखे की व्यवस्था कराई जाएगी। रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में जो वर्तमान 750 मीटर के करीब में है उसको लगभग 1500 मीटर में बनाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर जो आपके कोचेज़ में पानी भरने की व्यवस्था है पाइपलाइन के द्वारा, तो क्विक वाटर सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे कि लगभग 6 से 7 मिनट में लगभग 24 डिब्बे की जो ट्रेन है उसमें पानी भर जाया करेगा। तो लगभग 7 रेलवे स्टेशनों पर ऐसी योजना है, मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन उसमें शामिल है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। पूरा डिटेल से दिखाने की कोशिश की जो हजान भाई ने वीडियो बनाकर हमें भेजा। आप लोगों को भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। स्टेशन के बारे में भी मैंने डिटेल से बताया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।